हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको अपनी कंस्ट्रक्शन की जो वीडियो है लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा कि हम कैसे जो है घर का एक बेस होता है वो कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और उसकी बेस बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और आपको भी रखना चाहिए। आप कहीं घर बना रहे हैं, आपको भी जो खड़ में या कहीं भी घर बना रहे हैं, ईंटों का ही बेस बनता है, तो कैसे हम बेस बना सकते हैं इसका घर का और कैसे मजबूत जो है ला सकते हैं। तो ये जो वीडियो मेरी गुरु नानक इनक्लेम में है, हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है जो हमारी सोसाइटी है, जहाँ पर आपको प्लॉटिंग भी मिल जाएगी और गेटेड प्रोजेक्ट ही है हमारा। तो हम ये जो घर हैं ऑन डिमांड घर बना रहे हैं, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करके हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल जो जहां घर हमारा बन रहा है वहां पे आप खड़ा हूं। यहां पे हमने सबसे पहले जो एक प्लॉट है हमारा 107 गज में ये घर बना रहे हैं, इसका जो हमने सबसे पहले क्या किया था कि इसमें जो भी हमारी मिट्टी थी, कुछ लोग होते हैं जो मिट्टी साइडों से निकालते हैं, बिल्कुल चलियाँ डाल देते हैं बीच में, वैसा नहीं है। हमने क्या करा है, पूरी प्लॉट की मिट्टी को ही हमने निकाल के बाहर कर दिया है। जो जितनी हमने गहराई लेनी थी उतनी हमने गहराई लेके देन इसका बेस हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले गहराई में हमने ये सारा काम करके 21x46 में इसमें जो भी हमारा वर्क रहेगा वो हमने मिट्टी निकाल के इसके नीचे, अब नीचे जाएंगे तो नीचे सबसे पहले हमने जहाँ जहाँ हमारी यानी वहाँ पे हमने पहले गटके की लेयर जो होती है विद सीमेंटेड वो डाल ली है, जो जैसे कि हमारा जैसे जैसे घर आना है उस हिसाब से। उसके बाद बात आती है कि हमने कैसे इसकी बेस रखना है। तो जैसा कि आप मेरे देखेंगे कि ये हमारा जो है एक तरफ से बेस बिल्कुल ऐसे स्टार्ट होगा, बिल्कुल एक त्रिकोणों की तरह। तो सबसे पहले नीचे जाएंगे, आप नीचे जो दो रद्दे दिख रहे हैं आपको 27 इंच के चौड़ाई में, 27 इंच में आपको ये लगे मिलेंगे, वैसे ही हमारा ऊपर को 4-4 इंच तक हमारा कवर होता जाएगा और ऊपर हमारा 9 इंच की चिनाई आएगी बीम लेवल तक। बात करते हैं कि मटेरियल की, तो सबसे पहले हमने जो इसमें ईंट यूज़ करी है वो हमने एक नंबर क्वालिटी की जो ईंट है वो यूज़ कर रहे हैं। आप आ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कुछ जो होते हैं उसमें एक नंबर की नहीं, कोई भी ईंट तड़कीट या फिर दो नंबर की ईंट डाल देते हैं कि नीचे बना रहे, तो हमारा वैसा काम नहीं है। हम प्रॉपर आपको मटेरियल की विद गारंटी के साथ, चाहे आप नीचे दबा रहे हैं मटेरियल को, जैसे लगा रहे हैं बढ़िया करके लगाएंगे। रेता जो है हमारा क्रशर यूज़ हो रहा है, चिनाई में भी हम क्रशर ही करते हैं, लोग करते नहीं हैं। तो ये था हमारा। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जगह हमने छोड़ी हुई है 4x4 की है, 3x3 की जगह है, ये किस लिए छोड़ी है, यहाँ पे हमारा पिलर आना है। पिलर कैसे आएगा, सबसे पहले हमने इसके जाड़ा बिछाना है सरिये का बना के, उसके ऊपर हमने 1 फिट तक इसकी भराई करनी है जिसका पैर बनेगा। देन उसके बाद हमने 2x2 की प्लेट्स लगा के इसको फिल करना है ऊपर तक, देन 9 इंच का जो पिलर है वो ऊपर जाएगा। जैसे जैसे हमारा पिलर का वर्क भी होगा वो भी मैं वीडियो डालूँगा। तो ये थे हमारे जैसे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कि कैसे यूज़ कर रहे हैं और रेता कौन सा है, ईंट कौन सी है। तो ये था हमारा। अब अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जैसे हमारे पिलर्स खड़े हो जाएंगे और किस हिसाब से हमने पिलर भरे हैं और इनको भरने का तरीका क्या है, वो भी आपको साथ के साथ वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो ये जो टोटल घर हम बना रहे हैं 107 गज में बना रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं रेता भी हमारा बिल्कुल मशीन से जो हम इसको मैरिनेट करके लगाते हैं कुछ हाथ से होता है, जिससे मशीन से पूरा प्रॉपर मिक्स हो जाता है जिसमें हमारी ये नहीं रहती है। सीमेंट हम दो कंपनी का लगाते हैं, अंबुजा का, जेके सुपर का। अगर आप कंस्ट्रक्शन हमसे करा रहे हैं तो उसमें हम एग्रीमेंट के साथ लिखते हैं कि आपने कौन सा सीमेंट यूज़ करना है, तो आपका वही यूज़ होगा। यहाँ पे हमारा जो जेके सुपर सीमेंट और अंबुजा सीमेंट दोनों ही कस्टमर ने अलाउ करें कि मेरे को आप करके दे सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं कस्टमर चाहता है वैसे ही कंस्ट्रक्शन हम कर देते हैं। तो ये इसका रेट्स की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन रेट जो है आज की डेट में प्रॉपर जो है जिसमें हमारा काम आएगा, एक बढ़िया मटेरियल में काम आएगा, इसमें आपका A to Z काम जो हम करके देंगे, लकड़ी का हो गया, चनाई, प्लस्तर, सारा कुछ लेंटर डाल के देंगे और सैनिटरी का हो गया, जो भी आइटम हम इसमें लगाते हैं उसका प्रॉपर हम एग्रीमेंट करते हैं कंस्ट्रक्शन का, जिसमें आपका कितना सरिया हम लेंटर में डाल लेंगे, ठीक है जी, रेता कौन सा यूज़ करेंगे ये भी आपका इसमें मेंशन होता है, ईंट कौन सी यूज़ करेंगे वो भी मेंशन होता है, और इसमें हम कितने पिलर रखेंगे। हाँ, ये 107 गज का घर है हमारा, इसमें हमने 8 पिलर दिए हुए हैं, 3 वॉल्स पे 2 बीच में, 3-3 1 वॉल्स पे 2 बीच में। ये हमारा पिलर्स का जो है मेनली मकसद इसलिए था कि आप 3 मंजिल बनाएं, 4 मंजिल बनाएं, आपका घर मजबूत रहे। मोस्टली बिल्डर यहाँ खड़ में देखें कि लगाया कुछ और होता है और बताते कुछ और है, वैसा हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन की हमारी फुल गारंटी रहती है,
और जैसा आप चाहेंगे वैसा ही काम हो जाएगा। और आपको प्रॉपर, अगर आप हमसे कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपको प्रॉपर अपडेट मिलती रहेगी कि ये आपका काम इतना हो रहा है, ये चीज़ इसमें लग रही है। आप कभी भी आएँ, कभी भी चेक कर सकते हैं, आपको वही मिलेगा जो आपको बताया गया होता है। अब इसमें तराई का भी हमारा प्रॉपर रहता है, जो अभी रोज़ सुबह और शाम हम दो टाइम इसकी तराई कराते हैं, जिसके जो नींव की मजबूती बनी रहे। देन इस नींव को बनने के बाद हमने कम से कम इसको दो या तीन वीक के लिए छोड़ना है, ताकि मिट्टी नहीं भरेंगे, ताकि हमारा जो मजबूती बन जाए, तराइयाँ करते रहेंगे, देन आप मिट्टी की रिफिलिंग करेंगे। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा वीडियो गुरु नानक इनक्लेव खरड़ में। खरड़ में आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, एक बढ़िया रेट्स में बढ़िया काम करके आपको देंगे, डिलीवर करेंगे, तो वो हमारी गारंटी रहती है। जो लोग और भी बिल्डर से आप बनाते हैं, बोलते कुछ हो रहा है, लगाते कुछ हो रहा है, वैसा हमारा कुछ नहीं है, हम वही लगाएंगे जो आपको दिखाएंगे। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कंस्ट्रक्शन की वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करानी तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हमारी साइट ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू, धन्यवाद।